दैट इज ग्रुप फाइव एंड ग्रुप सिक्स एलिमेंट्स सबसे पहले तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि पीआडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में ये दोनों ग्रुप्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और इनको इंट्रोड्यूस करा लेते हैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप फाइव ए में आता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्जेनिक एंटीमनी एंड बिस्मत दर स्टूडेंट्स ग्रुप सिक्स ए में जिनको हम चालकोजेंस कहते हैं, आता है स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन सल्फर सेलैनियम टलेरियम पलोनीयम स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्जेनिक एंटीमनी बिस्मत स्टूडेंट्स आपके पास टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास डाउन द ग्रुप मेटल्स की प्रेजेंस एग्जिस्ट कर रही होती है चलते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले ग्रुप फाइव एलिमेंट्स को देख लेते हैं उनका ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्जेनिक एंटीमनी बिस्मत ये स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप फाइव में एग्जिस्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के अंडर आते हैं स्टूडेंट्स आउटो मोशल के अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो टिपिकली प्लस थ्री और प्लस फाइव होती हैं स्टूडेंट्स जब आप इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन में ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आइनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है और इसका ट्रेंड स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रहा होता है लाइक वाइज स्टूडेंट्स आपके पास ट्रेंड जा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द अदर बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास अटोमिक और आयनिक रेडियस आता है प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया नाइट्रोजन आपके पास गैस है जबकि फॉस्फोरस आपके पास ब्लैक सॉलिड है आर्जैनिक एंटीमनी और बिस्मत आपके पास मेटालिक सॉलिड्स हैं यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये तीनों मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्टोमो शल के अंदर जिनको फाइव को ही लूज करके ऑक्टेट हासिल किया जाता है देन स्टूडेंट्स बाद में ये भी किया जाता है कि थ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए जाए यानी कि प्लस थ्री और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है फॉस्फोरस की केस में जबकि स्टूडेंट्स जब आप बात करते हैं नाइट्रोजन की जो कि सेवेंटी एट परसेंट बनाती है आपके एटमोस्फेयरिक एयर का तो स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स के अंदर आती हैं आपके पास जो फेमस ऑक्साइड्स आती हैं सबसे पहले सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे मैंने कंसेप्चुअल में भी डिस्कस किया है आपसे कि आपके पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है स्टूडेंट्स उसके आप एक यूनिक फीचर है कि उसको आप लॉफिंग गैस कहते हैं वेन इट इज़ मिक्स विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि स्टूडेंट्स ये ऐसी नर्व एम्पल्सिस जनरेट करती है जो कि आपको हंसाती यानी कि हिस्टेरिकल लाफ्टर प्रोड्यूस कर रही होती है डाय नाइट्रोजन ऑक्साइड स्टूडेंट्स आप जिंक से प्रिपेयर कर सकते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स अमोनियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं दैन स्टूडेंट्स जब आप बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पास जो मेटल्स हैं वो मुख्तलिफ नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन पे डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहे होते हैं यानी कि आप कॉपर को जब रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो स्टूडेंट्स वो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है जबकि स्टूडेंट जब आप कॉपर को रिएक्ट करवाते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो स्टूडेंट्स वो आपके पास एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर रहा होता है जिसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स आपके पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर गैसेज देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं नाइट्रस एसिड को और नाइट्रिक एसिड को स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड को हम इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि इसकी जो आपकी जो प्रिपरेशन है इस केस में स्टूडेंट्स वो वर्क लैंड एंड आयर्स प्रोसेस के थ्रू की जाती है जिसमें स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक आग या डिस्चार्ज में हीट करते हैं उनको रिएक्ट करवाते हैं थ्री थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और जनरेट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं

कम्पोज होती है तो आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करती है स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर बिहेव करती है वैन इट रिएक्ट्स विद बेसिस स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विद अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन जो कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए जिसमें स्टूडेंट्स ये मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स के साथ और मेटलॉइड्स के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिलीज़ करता है रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ऋक्ट करता है मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके या कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके देन स्टूडेंट्स एक्वा रीजिया की फॉर्मेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है उसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सप्लोसिव मटेरियल्स का ये कॉन्स्टिटूंट हिस्सा होता है एक्वा स्टूडेंट्स आपके पास क्या है जिसमें आपके पास वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड और थ्री वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ हो तो स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा सोलूशन या ऐसा मिक्सचर जो है अपने अंदर गोल्ड को डिजोल्व कर लेता है जिसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं एक्वा इसके यूज़ आपके पास नाइट्रिक एसिड के होते हैं कि इसको लेबॉट्री रिएजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है इसको मैनुफैक्चर ऑफ़ फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव की मैनुफैक्चर्स में यूज़ किया जाता है वार्निशेज और डाइज और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं फॉस्फोरस और उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास एलोटॉप्स ऑफ फॉस्फोरस में कौन कौन से एलोटॉप्स आते हैं एक तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है एलिमेंट वाइट फॉस्फोरस व्हाइट फॉसफोरस ट्रेटाटॉमिक मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट्स ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है स्टूडेंट्स ये मिलकर आपके पास बना रहा होता है रेड फॉस्फोरस जो कि लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाइट फॉसफोरस और स्टूडेंस आपके पास माइक्रो की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है जब स्टूडेंट्स आप रेड फॉस्फोरस को प्रेशराइज और हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तो स्टूडेंट्स ट्रीट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास ब्लैक फॉस्फोरस बनता है अब स्टूडेंट्स जो आपके पास ब्लैक फॉस्फोरस होता है सबसे ज्यादा इनर्ट फॉर्म होती है एलोटॉप्स ऑफ फॉस्फोरस की उसके अलावा सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है देन स्टूडेंट्स जब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप सिक्स ए के एलिमेंट्स को उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि फॉस्फोरस के कंपाउंड्स के अंदर हम ऑन किन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस जिसमें फॉस्फोरस ट्राइक

84 तक जा रहा होता है इन द केस ऑफ पोलोनियम स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सेलेनियम टेलरियम पोलोनियम मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस में देखा जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास आउटermost शेल के अंदर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि स्टूडेंट्स जब, जब आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करते हैं तो आपके पास टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही होती है लाइक दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इफिनिटी इलेक्ट्रोनिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप आपके पास इंक्रीज हो रही होती है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं मेटेलिक आपके पास कौन से स्टूडेंट्स so, आपके पास लेट सल्फाइड है जिंक सल्फाइड है आपके पास सिनेबर है है कॉपर पायराइट है आयरन पायराइट है जिप्सम है हैवी स्पार है सिलिका है लाइम है ऑक्सीजन स्टूडेंट्स आपका फिफ्टी अर्थ क्रस्ट कवर करती है कंबाइंड फॉर्म में उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास वाटर के अंदर कंबाइंड फॉर्म के अंदर 89% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है देन स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस प्रेजेंट स्टूडेंट्स दोनों ही आपके पास टिपिकल नॉन मेटल्स हैं कंबाइन करते हैं नॉन मेटल्स के साथ नॉन कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर माइनस टू की एग्जिबिट करते हैं पोलियोटॉपिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं देन स्टूडेंस आपके पास दोनों ही एलेक्टोपिक फॉर्म्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एग्जिबिट कर रहे होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स डायवलेंट होते हैं आप ये भी याद रखेंगे आपके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है दैन स्टूडेंट डफरेंसेज कहाँ आते हैं डिफरेंसेस स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन पैरा मैग्नेटिक है जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर डाय मैगनीटिक है उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन के दो एलोटॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर की थ्री एलोटॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो आपके पास आपको पता चलेगा तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन रिएक्टिव नहीं है ऑक्सीजन स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर इज इक्वली रिएक्टेड बाय अल्केलाइज एसिड्स और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास टीम से भी रिएक्ट करता है जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन टीम के साथ नॉर्मल कंडीशन के अंदर रिएक्ट नहीं करता तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गए डिफरेंसेस उसके अलावा स्टूडेंट्स देखते हैं कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर का प्रिंसिपल क्या है कांटेक्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रियल स्केल पे मैन्युफैक्चर कर रहा होता है बेसिकली इट इन द कैटेटिक कंबीनेशन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राई ऑक्साइड इज़ देन डिसोल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता

उसके अलावा ये आपके पास वाटर में जब डिजॉल्व होता है तो हीट जनरेट करता है एडिशन ऑफ अ लिटल वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर क्योंकि स्टूडेंट्स ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास ब्रिसल कॉज करता है स्किन के ऊपर यानी कि आपकी स्किन को ये बर्न करता है मीन्स के इट इज़ एक्सट्रीमली क्रोसिव टू द स्किन उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस दे रहा होता है सल्फ्यूरिक एसिड अपने पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर ए अटैक्ट जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर कर रहा होता है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहा होता है फॉर्मिक एसिड में से ओग्जैलिक एसिड में से स्टार्च में से लुलर में से उसके अलावा स्टूडेंट सुक्रोज में से रिमूव कर रहा होता है एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा होता है मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन जनरेट कर रहा होता है उसके अलावा स्टूडेंट्स जब ये क्वॉनिज मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मोलिक्यूल जनरेट कर रहा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है बेंजी के साथ रिएक्ट करता है तो बेनजी सल्फोनिक एसिड जनरेट कर रहा होता है गैसेज के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो स्टूडेंट्स उनको पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइज कर रहा होता है स्टूडेंट्स जब हम डिस्कस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के फर्टिलाइजर्स आप इनसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट्स में यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर इनको यूज किया जाता है